नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके भाई सोनू सर पर। और बच्चा आपको पता ही है, हमने हरियाणा करंट अफेयर की मुहिम चला रखी है जो आने वाली HSSC की एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। जैसे हरियाणा पुलिस ग्राम सचिव पटवारी और CET के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है क्लास हरियाणा करंट अफेयर। बच्चों हम आज पढ़ेंगे हरियाणा करंट अफेयर का नेक्स्ट पार्ट, ठीक है बच्चा। और हरियाणा करंट अफेयर के नेक्स्ट पार्ट का, हाँ जी, आज का क्वेश्चन रहेगा बच्चा, हरियाणा में 2020 में किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। ये क्वेश्चन रहेगा बच्चा, हरियाणा में 2020 में किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। हाँ जी, किसे दिया गया है भाई? ये विनेश फोगाट और रानी रामपाल को दिया गया है। रानी रामपाल को दिया गया 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ठीक है बच्चा। किसे दिया गया? विनेश फोगाट और रानी रामपाल को दिया गया 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। हाँ जी, विनेश फोगाट की अगर बात की जाए, विनेश फोगाट, हाँ जी, ये बलाली गांव चरखी दादरी की रहने वाली है, ठीक है। 2016 में फोगाट फैमिली पर हाँ जी दंगल मूवी बनी थी, जिसमें इनके पिता का रोल महावीर सिंह का रोल किसने किया था? आमिर खान ने किया था बच्चा। आमिर खान ने इनके पिता का रोल किया था, महावीर सिंह फोगाट का रोल अभिनय किया था किसने? हाँ जी, आमिर खान जी ने किया था इनके पिता का रोल, ठीक है बच्चा। और जो विनेश फोगाट रहेगी, ये कुश्ती की खिलाड़ी रहेगी विनेश फोगाट, ठीक है बच्चा। और इनको 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। वही रानी रामपाल की अगर बात की जाए, ये कहाँ से रहेंगी रानी रामपाल, ठीक है बच्चा। और ये भारतीय हॉकी टीम की कप्तान रहेंगी, ठीक है। ये भारतीय हॉकी टीम की क्या रहेगी बच्चा? कप्तान रहेगी रानी रामपाल, ठीक है। हाँ जी, शाहबाद की अगर बात की जाए, एक तो यहाँ पर शाहबाद में क्या रहेगी? हाँ जी, यहाँ पर चीनी मिल रहेगी शाहबाद में। और शाहबाद को हॉकी का गढ़ कहा जाता है। हॉकी का गढ़ कहते हैं बच्चा, हॉकी का घर कहते हैं हरियाणा में किसे? शाहबाद को, ठीक है। हॉकी का घर और हॉकी का घर कहा जाता है शाहबाद को, ठीक है बच्चा। और राजीव गांधी रत्न पुरस्कार की अगर बात की जाए, तो 2020 में विनेश फोगाट और रानी रामपाल को दिया गया था, जो हरियाणा से संबंध रखती है, ठीक है बच्चा। हाँ जी, नेक्स्ट अगर बात की जाए, जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार रहेगा बच्चा, जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार रहेगा, इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी। 1991 में इसकी शुरुआत की गई थी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की, ठीक है। और इससे ये भी क्वेश्चन आता है, खेल क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार रहेगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है बच्चा। ये खेल क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार रहेगा, ठीक है। और 1991 में शुरू हुआ था ये। और ये भी क्वेश्चन आता है, हाँ जी, जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार रहेगा ये राष्ट्रीय युवा खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। और 1991 से चला रहे भाई राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है बच्चा। हाँ जी, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की अगर बात की जाए, अब इसका नाम चेंज हो गया, अब इसका नया नाम रखा गया है, मेजर
ध्यानचंद जी खेल पुरस्कार रखा गया है, खेल पुरस्कार रखा गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम किसके नाम पर रखा गया है? मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार के नाम पर रखा गया है। कब रखा गया? 2021 में रखा गया। और किसने रखा? हां जी, भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इस पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर रखा है, नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, मेजर ध्यानचंद जी की अगर बात की जाए, इनका जन्म 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका जन्म राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है 29 अगस्त को। ठीक है बच्चा, क्वेश्चन पेपर में आता है, स्टैटिक क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय खेल युवा दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसके जन्म के अवसर पर? मेजर ध्यानचंद जी के जन्म के अवसर पर मनाया जाता है। ठीक है, हां जी, मेजर ध्यानचंद जी के जन्म के अवसर पर मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। ठीक है, हां जी, एक बार क्वेश्चन आया था यहां से, क्वेश्चन क्या था बच्चा? हॉकी का सम्राट किसे कहते हैं? मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का सम्राट कहते हैं, हॉकी का जादूगर कहते हैं, हॉकी का जादूगर कहते हैं मेजर ध्यानचंद जी को। ठीक है, हॉकी का सम्राट, हॉकी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद जी को। वहीं अगर बात की जाए मेजर ध्यानचंद जी की, ये भारतीय हॉकी टीम में खिलाड़ी रहे हैं। ठीक है, भारतीय हॉकी टीम के क्या रहे हैं बच्चे? खिलाड़ी रहे हैं मेजर ध्यानचंद जी। ठीक है, और इनका जन्म जो है 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब इसका मतलब जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड रहेगा उसका नाम भी क्या रखा गया? मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर रखा गया। ठीक है बच्चा, और इनको हॉकी का जादूगर, हॉकी का सम्राट कहा जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन था हरियाणा जी के ने पूछा था, 2020 का जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था वो किसे दिया गया था? वो विनेश फोगाट और रानी रामपाल को दिया गया था। ठीक है बच्चा, हाँ जी, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था और आगे भी पूछने की इसकी संभावना रहेगी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा बच्चा, हाँ जी, अगला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा सरकार में पुलिस के नए डीजीपी कौन बने हैं? हरियाणा पुलिस में या हरियाणा सरकार में पुलिस के नए डीजीपी कौन बने हैं बच्चा? हां जी, कौन बने हैं नए डीजीपी? प्रशांत कुमार अग्रवाल। ठीक है, प्रशांत कुमार अग्रवाल हरियाणा पुलिस के नए डीजीपी बने हैं। ठीक है बच्चा, और ये 32वें नंबर के रहेंगे, ये 32वें नंबर के रहेंगे प्रशांत कुमार अग्रवाल। ठीक है बच्चा, हाँ जी, और ये जो अगर बात की जाए, ये हरियाणा के नए डीजीपी बने हैं। ठीक है, हाँ जी, वहीं अगर बात की जाए हरियाणा पुलिस के पहले डीजीपी कौन थे? आर एस भटनागर हरियाणा पुलिस में पहले डीजीपी हुआ करते थे, और वर्तमान में कौन रहेंगे? प्रशांत कुमार अग्रवाल जी रहेंगे। ठीक है बच्चा, और ये भी क्वेश्चन पेपर में आता है, हरियाणा पुलिस का हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? पंचकुला में रहेगा। हरियाणा पुलिस का हेडक्वार्टर। ठीक है बच्चा, अभी ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा था, हाँ जी, क्वेश्चन क्या था बच्चा? हरियाणा पुलिस का पहला साइबर क्राइम थाना कहाँ खोला गया था? गुरुग्राम में खोला गया था हरियाणा पुलिस का पहला साइबर क्राइम थाना। ठीक है बच्चा, हाँ जी, और ये भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, हरियाणा में कितनी पुलिस कमिश्नरियां, कितनी पुलिस कमिश्नरी रहेगी? हाँ जी, 3 पुलिस कमिश्नरी रहेगी हरियाणा में। ठीक है बच्चा, हरियाणा में 3 पुलिस कमिश्नरी रहेगी। ठीक है, हाँ जी, एक तो रहेगी पंचकुला में,
गुड़गांव में और एक फरीदाबाद में, हरियाणा में तीन पुलिस कमिश्नर जाती हैं। ठीक है बच्चा, हाँ जी एक बार पेपर में क्वेश्चन आया था हरियाणा में कितनी पुलिस रेंज रहेगी हरियाणा में 5 पुलिस रेंज रहेगी। ठीक है हाँ जी, कितनी पुलिस रेंज रहेगी भाई, 5 पुलिस रेंज रहेगी, कौन कौन सी, अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार और एक रहेगी दक्षिणी रेंज रेवाड़ी। हरियाणा में 5 पुलिस रेंज रहेगी। ठीक है बच्चा, हाँ जी, और 3 पुलिस कमिश्नर रहेगी हरियाणा में। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन पेपर में आता है हरियाणा में कितने पुलिस